झांसी जिले के मौट थाना क्षेत्र के ग्राम अमरा में एक नाली निर्माण को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कासुनी विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों में खूनी संघर्ष हो गया। इस पूरी घटना में 5 लोग कुल घायल हुए हैं, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग और दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि प्रथम पक्ष में नरेश बाबू और उनका पुत्र सुनील घायल हुआ है और द्वितीय पक्ष में अंजलि, पूजा और एक हरि प्रसाद नाम का युवक घायल हुआ है। फिलहाल नरेश बाबू की ओर से कहना है कि वह लोग जबरदस्ती पास में ही बनी जो उनके मकान में के पास से नाली का निर्माण कर रहे थे, जिस दौरान उनकी मामूली कहासुनी इस विकराल रूप में धारण हो गई और 3 लोगों ने उनकी मारपीट कर दी। तो वही दूसरे पक्ष का आरोप है कि ये जबरन यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी जमीन है और वह वहीं पर अपनी नाली निर्माण कर रहे थे। फिलहाल दोनों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से लुहलुहान हैं, जिन्हें आनंद फानन में मौट पुलिस द्वारा मौट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों पक्षों की ओर से 5 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस दोनों ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी है। धीरेंद्र राय के बाद न्यूज 30 टीम झांसी।